हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? कुक फैक्ट्री में आपका स्वागत है। आज आप बनाने जा रहे हैं चाइनीज़ पकौड़े, जो काफ़ी लोग अपने घर बनाते ही होंगे, मगर मैं अपने किचन में कैसे बनाती हूँ वो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ। और पहले हम इसे देख लेते हैं, इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान लगेंगे, क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स लगेंगे, तो आइए देख लेते हैं। मैंने पत्ता गोभी को एकदम बारीक काट लिया है, गाजर ली है बारीक चॉप करके 1 कप, मैदा लिया है 1 कप, हरी मिर्च ली है 2 बारीक काट के, तेल लेंगे हम फ्राई करने के लिए, तलने के लिए, नमक लेंगे हम स्वाद अनुसार, चिल्ली फ्लेक्स लिए हैं 1 चम्मच, मरी पाउडर लिया है 1 चम्मच। पहले एक बड़ा बर्तन ले लेंगे, उसमें हम पत्ता गोभी को डाल देंगे। आप अगर नए हैं हमारे चैनल पे, तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। गाजर डाल देंगे हम, नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, चिल्ली फ्लेक्स, हरी मिर्च और लास्ट में हम यहाँ पे डालेंगे मरी पाउडर। अब हम इसमें मैदा डाल देंगे 2 चम्मच जितना, और थोड़ा पानी डाल के इसे मिक्स करेंगे। मैं एक साथ इसमें मैदा नहीं डाल रही हूँ अभी, जितनी हमें रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से मैं इसमें मैदा डालूँगी। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं एक बैटर बना लूँगी। आप चाहें तो जैसे मैंने गाजर ली है यहाँ पे, आप कैप्सिकम भी यूज़ कर सकते हैं और बीन्स भी बारीक चॉप करके आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। हमारी वीडियोस के ज़्यादा शेयर कीजिएगा आप, तो जिसे नहीं आता वो भी इससे कुछ सीख सकें। और रोज़ रात 9 बजे कुक फैक्ट्री पे मैं एक नया वीडियो अपलोड करती हूँ, तो उसे देखना बिल्कुल भी ना भूलें। अब मुझे लगता है इसमें मुझे मैदा थोड़ा और लगेगा, तो मैं इसमें 2 चम्मच मैदा और ऐड कर लूँगी। ये आप चाय के साथ नाश्ते में भी ले सकते हैं, सुबह भी नाश्ते में ले सकते हैं, साइड डिश की तरह भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं और मेरे घर में इसे बहुत पसंद करते हैं। अब आप देख सकते हैं ये एकदम रेडी है, ऐसा ही ये होना चाहिए, एकदम पतला भी नहीं और एकदम गाढ़ा भी नहीं। अब ये एकदम रेडी है और मैंने साइड में तेल रख दिया है गरम करने। अब मैं पहले तेल चेक कर लूंगी कि ये गरम हो गया है या नहीं। ये एकदम गरम हो चुका है, अब मैं इसमें पकौड़े डाल दूंगी। एक साथ आपके कढ़ाई में जितने पकौड़े हैं आप उतने इसमें डाल दीजिए। रिसेंटली हमने हमारे चैनल पे ग्रीन टी जो आती है, ग्रीन चाय जो आती है, जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, लंबी लंबी पत्तियाँ जिसकी आती हैं उसका, और
मिंट का, फुदीने का एक जूस बनाया है जो बहुत रिफ्रेशिंग है। तो मैं आई बटन पे उसका लिंक शेयर कर दूंगी आपके साथ, तो आप उसे देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब मैं फ्लेम को मीडियम कर दिया है मैंने, और मीडियम फ्लेम पे मैं इसे पलट दूंगी और दोनों साइड गोल्डन होने तक इसे फ्राई करूंगी। आप अगर तीखा कम खाते हो तो आप चाहें तो हरी मिर्च या मिरी पाउडर में से कोई भी एक चीज़ ले सकते हैं, जैसे इसका तीखापन थोड़ा कम हो जाएगा। मगर मेरे घर में इसे स्पाइसी खाते हैं तो मैंने तीखा थोड़ा ज़्यादा यूज़ किया है। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। ये रेसिपी बच्चों से लेके बड़ों तक सबको बहुत पसंद आती है। मेजॉरिटी मेरी रेसिपीज़ में ऑनियन गार्लिक नहीं होता, मैं नहीं यूज़ करती, मेजॉरिटी हमारे घर में नहीं यूज़ करते, इसलिए मैंने बिना कांदे और बिना लहसुन के इसे बनाया है। आपको मेरी कोई भी रेसिपी आप अगर अपने घर में बनाते हैं और उसे बनाने में कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है आपको, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगी। कभी कभी हम जल्दबाजी में और गाय गाय में देखते हैं तो कोई ना कोई स्टेप्स मिस कर जाते, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। या फिर कभी कभी जो हम सामग्रियाँ यूज़ करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे पत्ता गोभी ली है, गाजर ली है, और कभी कभी हम उसे बना के रख देते हैं, और कभी जो माप दिया है उससे मैदा थोड़ा ज़्यादा भी लग जाता है, तो उसकी वजह से भी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें ज़रूर लिख दीजिए, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगी। ये पकौड़े हमारे एकदम रेडी हो चुके हैं, आप इसे घर में ज़रूर बनाइएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, और रोज़ रात 9 बजे कुक फैक्ट्री के साथ भूलिएगा नहीं। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय।